समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। एक महिला को अपनी ही मां के मुकदमे में पैरवी व मदद करने पर उसका पिता, बहू और भाई के साथ मिलकर उसके पति को गाली गलौज कर परेशान किया जा रहा है और उसकी मां को भूखा प्यासा रखते हैं। साथ ही उसके साथ सभी एक राय होकर मारपीट कर रहे हैं, जिसके चलते उसने इन सभी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर करा दिया। इस बात से उसके पिता, भाई और भाभी उसके पति से रंजिश रखने लगे, जिसके चलते उसके पति के खिलाफ मंडी चौकी में झूठा प्रार्थना पत्र दे दिया। आरोप है कि यह लोग मंडी चौकी प्रभारी से मिलकर उसके पति को मुकदमे में फंसाने की धमकी दिलवा रहे हैं। थाना प्रेमनगर के सीताराम वाटिका आज़ादपुरा में रहने वाली मिलन श्रीवास पत्नी ने SSP को दिए गए प्रार्थना पत्र में उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट। जे हमारे दामाद बिटिया हमारा साथ दे रहे हैं और पूरा खर्चा पानी सब उठा रहे हैं वो, और जे लोग सब घर वाले हमारे इनको फंसाया जा रहा कि जे उल्टा सीधा पैसा दिया हमने, जे किया वो किया, कुछ ना पैसा ना कुछ, 6-7 साल से हमारे घर पे नहीं आए जी, अभी तक नहीं गए, ना बिटिया गई ना लड़का गई। एक बार गई थी बिटिया तो वापस ने मारपीट करने की धमकी दी थी। का चाहती जी, चाहती कि भाई हमें न्याय मिले चाहिए। मिलन, क्या हुआ? हमारे पति को झूठा फंसाया जा रहा। मंडी चौकी दरोगा का फोन आया था कि आप चौकी आइए, तो वो गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप मतलब इसको कागज दीजिए, तो इन्होंने कागज दिया तो कह रहे कि आप जी कागज ले जाओ, वो कागज दे जाओ। उन्होंने लिखवा दिया कि इन्होंने हमारी मारपीट की, उनको झूठा फंसाया जा रहा, बोल रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे। तो हमने बोल दिया आप मुकदमा लिख दो। तो आप यहाँ पर आई क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि जो झूठ है तो झूठ हो, सच का सच करो। ये झूठा हर जगह झूठा झूठा फंसा रहे वो, कि हमने ऐसा दिया पैसा दिया, हम इनको झूठा लिखवा देंगे, जे कर देंगे वो कर देंगे। इनकी घर की लड़ाई है, ये लोग हमें फंसवा रहे हैं। हम तो अपने घर पे रहते हैं,